कि हमने कल आपको माइक्रोज वीवीए की प्रोटोकॉल के बारे में बताया कि किस तरीके से वीवीए परफॉर्म करता है, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे और बाकी चीज़ें। आपको मैंने एक वेबसाइट भी दी थी पढ़ने के लिए, इसमें आर्टिकल्स थे, आपने शायद पढ़े होंगे। तो गुड मॉर्निंग दीपिका जी। तो आज जो है हम बात करते हैं माइक्रो के टाइप। रिकॉर्ड पर हम रिकॉर्डिंग माइक्रो को जानते हैं कि रिकॉर्डिंग माइक्रो, जैसे मैं कल बात की थी कि हमने जब माइक्रो रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड वन, माइक्रो वन, माइक्रो टू करके हमने रिकॉर्डिंग की थी। तो आज चलिए इसी रिकॉर्डिंग माइक्रो में उसके माइक्रो के टाइप के बारे में जानते हैं। तो जैसे कि हमने आपको कल दिखाया था कि एक हमने माइक्रो रिकॉर्ड कर लिया, यहाँ से मान लो हमने रिकॉर्ड किया माइक्रो, तो माइक्रो यहाँ पे वन हुआ है, शॉर्टकट है। सतगुरु जी शोर आ रहा है, म्यूट कर लीजिए। तो जैसे हमने माइक्रो किया, यहाँ पे स्टोर इन द माइक्रो में दिस वर्कबुक हो गया। अब मैं इसमें मैक्रो टाइप, मैक्रो रिकॉर्ड किया, स्टॉप किया, या फिर आपने खुद से कोडिंग की, तो मैं इस मैक्रो को इस फाइल में रन कर सकता हूँ। इस फाइल में ही नहीं, जब मैं कंट्रोल एन करके या कोई ऐसी दूसरी फाइल खोलूँगा, मैं उस फाइल में भी इस मैक्रो को रन कर सकता हूँ। लेकिन कब तक? जब तक मेरा बुक वन ओपन होगा। देखिए यहाँ मैक्रो वन आ रहा है, बुक वन हम ओपन रहेगा हमारा, तो हमारा मैक्रो रन होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैं है क्या कि ये चीज़ें। देखिए इसमें बता दूं आपको कि माइक्रो के कुछ टाइप है, उस टाइप के बारे में जान लीजिए। तो माइक्रो का टाइप, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि इस माइक्रो का स्टोरेज लोकेशन, कि माइक्रो का स्टोर कहाँ पे होता है। तो जब हम माइक्रो रिकॉर्ड करते हैं या मॉड्यूल्स में जाके कोडिंग करते हैं, तो माइक्रो हमारी इसी फाइल की प्रॉपर्टी में रिकॉर्ड होती है। ये फाइल जैसे मैं आप लोगों को भेजूंगा, इसके साथ इसका माइक्रो भी जाएगा। इसको कहते हैं पब्लिक माइक्रो। तो माइक्रो के टाइप के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो माइक्रोज इसमें आता है पब्लिक माइक्रो, मतलब कि माइक्रो की जो कोडिंग है वो माइक्रो के अंदर ही सेव होती, फाइल के अंदर ही सेव होती है और पब्लिकली वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। जहाँ जहाँ हमारा फाइल जाएगा वहाँ वहाँ माइक्रो जाएगा, और जब तक वो फाइल ओपन है तब तक आप उस माइक्रो को रन कर सकते हैं, जस्ट लाइक रिकॉर्डिंग माइक्रो, या फिर आप जो भी माइक्रो बनाते हैं। नॉर्मली हम पब्लिक माइक्रो ही बनाते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है, क्योंकि पब्लिकली फाइल के साथ होती है तो पब्लिकली शेयर हो सकती है माइक्रो, और जब तक फाइल ओपन है तब तक वो रन होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, कि जैसे फाइल बंद हो जाएगी तो आपका माइक्रो वर्क नहीं करेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक्सेल के टूल्स बना सकते हो, जैसे कि एक्सेल के लिए जो टूल्स है, कि मैं एक्सेल के साथ जैसे कि बाकी जो हमारे टूल्स डले हुए हैं, पेज लोड फार्मूला में जो ऑप्शंस है, उस तरह के ऑप्शंस क्रिएट नहीं कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि जब तक तो वो फाइल जिसमें आपने क्रिएट किया है ओपन है तब तक ही वर्क करेगा, फाइल बंद हो गई तो वर्क नहीं करेगा। तो आपको बार बार फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि पब्लिक माइक्रो, उसके लिए उस केस में हमारे पास प्राइवेट माइक्रो आते हैं। प्राइवेट माइक्रो में हमारे पास एक होता है पर्सनल माइक्रो। पर्सनल माइक्रो क्या करता है? पर्सनल माइक्रो करता है कि आप जब माइक्रो रिकॉर्ड करते हो तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं पर्सनल माइक्रो, मतलब ये जो माइक्रो की कोडिंग है, इस माइक्रो को कोडिंग वो माइक्रो की प्रॉपर्टी फाइल के अंदर नहीं, आपके सिस्टम के अंदर सेव करती है। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप जो भी फाइल खोले, अब एक्सेल का एक ऑप्शन बन के हो जाता रह जाता है, कि एक्सेल का एक ऑप्शन बन जाएगा। जैसे आप एक्सेल खोलोगे वो भी साथ में वर्क करेगा। ठीक है,
इसका फायदा क्या होता है? फायदा होता है कि आप एक्सेल के ऑप्शंस की तरह इसको यूज कर सकते हैं। एक्सेल का जो ऑप्शन होता है उस ऑप्शन की तरह इसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर जब हम हर फाइल में इसको रन कर सकते हैं बिना फाइल ओपन किए हुए, तो पब्लिक कहलाया, ये पर्सनल के अंदर क्यों होता है? पर्सनल के अंदर इसलिए होता है क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी, फाइल की प्रॉपर्टी में नहीं, आपकी पर्सनल पीसी पे सेव होता है। आप अपना पीसी चेंज करो, अपना पीसी चेंज हुआ तो आप, मैं मान लो कि मैंने पर्सनल मैक को रन करके आप लोगों को मेल भेजा, तो वहां पे आपको वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैक्रो मेरे पीसी में ही रह गया है, तो ये पर्सनल मैक्रो कहलाता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है इवेंट मैक्रो। इवेंट मैक्रो क्या करता है? आप जब मैक्रो बना लेते हो तो उसको रन करने के लिए आपको मैक्रोज में जाके रन करना पड़ता है, लेकिन आप चाहते हो कि मेरा मैक्रो मेरे किसी पर्टिकुलर इवेंट पे वर्क करे। ठीक है, जैसे मैं कोई काम करूं वैसे मेरा मैक्रो ऑटोमेटिकली वर्क कर जाए, जैसे कि मैं शीट टू पे जहां जहां क्लिक करूं वो कलर हो जाए, तो ये इवेंट मैक्रो कहलाया। क्योंकि मैक्रो को हम खुद रन स्पेशली रन नहीं कर रहे, हमारे किसी एक्शन पे वो रन हो जा रहा है। तो राइट क्लिक करते हैं, मैं करके दिखाता हूं आपको व्यू कोड, और यहां पे हमने वर्कशीट सेलेक्ट कर लिया, यहां पे हमने इवेंट सेलेक्ट कर लिया, और मैंने कोड कर दिया यहां पे एक्टिव शीट, एक्टिव सेल होगा, माफ कीजिएगा, एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड, और जहां जहां मैं क्लिक करूंगा देखिए कलर रेड हो गया। तो ये हमने प्रोग्राम कर लिया, तो आप लोगों को समझ में आ गई पब्लिक मैक्रो, पर्सनल मैक्रो, इवेंट मैक्रो के बारे में क्या है और किस तरह के बेनिफिट्स हैं और कैसे डिक्लेयर करेंगे। सर क्वेश्चन है सर, पूछिए। सर ये जो पर्सनल मैक्रो है सर, ये खाली जो है रिकॉर्ड रिकॉर्ड मैक्रो के साथ चलता है या इसको हम वीडीए की कोडिंग के साथ ही चला सकते हैं? रिकॉर्ड कर लो, सबसे सिंपल होता है, रिकॉर्ड करने के बाद स्टॉप कर लो, कोडिंग कर दो। नहीं समझे, मैक्रो रिकॉर्ड कर लीजिए, रिकॉर्ड कुछ रिकॉर्ड करने के बाद कुछ कुछ करिए नहीं, स्टॉप कर दीजिए, फिर विजुअल बेसिक में जाइए, वहाँ पे आप उसको ये कर लीजिए, मतलब उसकी जो कोडिंग करना है कोडिंग कर दीजिए। ठीक है दीपका जी, कुछ पूछना है आपको? सर पर्सनल मैक्रो तो एडिंस की तरह हो गया ना? हाँ, एडिंस की तरह हो गया, राइट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बात करते हैं मैक्रो डिक्लेरेशंस कि आप किस तरह से मैक्रो को डिक्लेयर करोगे। तो आप विजुअल बेसिक पे कीजिए, लिए मैक्रो कोडिंग, ये आपके पास जो इंटरफेस आता है इसको बोलते हैं वीवीई, विजुअल बेसिक एडिटर। इसमें दो चीज़ें आवश्यक होनी चाहिए, एक तो आपका वीवीए प्रोजेक्ट जो कि आता है आपका यहाँ से, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल आर, दूसरा है प्रॉपर्टीज जो कि आता है यहाँ से, इसका शॉर्टकट है F4। ये दोनों होना चाहिए, मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करोगे उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ दिखाएगा, जैसे शीट 1 दिखा रहा है, शीट 2 का दिखा रहा है, और उसकी प्रॉपर्टीज अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि शीट 3 को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आता है डिस्प्ले राइट टू लेफ्ट, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं ट्रू कर दिया, तो इससे क्या होगा देखिए, मैं यहाँ पे आता हूँ शीट 3 में गया, नहीं यहाँ सॉरी माफ कीजिएगा, दूसरा सीट है, क्या हो गया, इस तरह से वर्किंग हो गई, नंबर्स इधर आ गए, पहले इधर हुआ करते थे, सीट टाइप इधर आ गया। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज आप चेंज कर सकते हो प्रॉपर्टीज बार से। तो जरूरी है प्रॉपर्टीज के लिए आपको विजुअल बेसिक पे ही जाना पड़े, आप प्रॉपर्टीज आप यहाँ से भी ले सकते हो, डेवलपर टैब में आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिख जाएगी, यहाँ वर्कशीट 3 प्रॉपर्टीज, और यहाँ भी आप लेफ्ट टू राइट विजुअल और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं।
ओके, अब बात करते हैं माइक्रो डिक्लेरेशन के बारे में। तो माइक्रो कहाँ डिक्लेयर करेंगे, ये आपके सीट जितने भी सीट्स होंगे उस सीट्स की लिस्ट यहाँ दिखेगा। तो सीट वन पे डबल क्लिक करके भी यहाँ पे कोड कर सकते हो, इस पर भी डबल क्लिक कर सकते हो, इस पर भी डबल क्लिक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम कोड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोड होता है आपका प्राइवेट मैक्रो, मतलब कि इवेंट मैक्रो। आप कोड कर दोगे तो ऐसा बात चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन उसी पर्टिकुलर शीट में चलेगा, किसी और शीट का रेफरेंस वो पिक नहीं कर पाएगा। इसलिए हम कोड को करते हैं मॉड्यूल्स में, हम इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल्स और यहाँ पे कोड करते हैं, क्योंकि ये फाइल की प्रॉपर्टी में जाके सेव होता है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में नहीं। क्योंकि अगर यहाँ कोड कर दिया, क्योंकि जो सीट वन को आपने डिलीट कर दिया, तो आपका सीट आपका माइक्रो भी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब पब्लिक मैक्रो डिक्लेयर कैसे करेंगे, सब्जेक्ट मैक्रो नेम ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर। यहाँ पे आप पब्लिक भी लिख सकते हो, लेकिन पब्लिक लिखो ना लिखो कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैक्रो नेम की अगर हम बात करें, मैक्रो नेम में आपको जो है क्या क्या नहीं चाहिए, मैक्रो नेम के भी एक रूल्स है उसको देख लीजिए। इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए, डॉट नहीं होना चाहिए, डेसिमल्स नहीं, आपको कॉमा नहीं होनी चाहिए, ना स्पेशल करेक्टर नहीं होनी चाहिए। हाँ, एट द अंडर स्कोर आप लगा सकते हो। तो माइक्रो नेम में पहला रूल क्या है कि स्पेशल करेक्टर सिर्फ अंडर स्कोर के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि आप 3 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नहीं लिख सकते हो आप, जैसे T1 T2 ऐसे नहीं लिख सकते हो आप। जैसे मैंने लिख दिया राज अंडर राज 1, ये भी माइक्रो नेम मेरा गलत है। क्यों? क्योंकि राज 1 नाम का मेरे पास रेफरेंस है, तो आप रन करने जाओगे तो सीधे राज 1 को ये कर देगा, देखिए रन नहीं होगा। एक दिखाता हूँ आपको प्रॉब्लम क्या होगी, एक मिनट, हमने सीट वन पे ही बना दिया क्या? देखिए कंफ्यूजन हो रही है, हमने सीट वन पे लगा दिया। आप देखिए, रन का ऑप्शन हट गया यहां पे, तो रन का ऑप्शन नहीं आएगा ही नहीं। इसलिए हम 3 डिजिट में अल्फा न्यूमेरिक नहीं लिखते हैं, लिखना होगा तो आप अंडर स्कोर लगा दीजिए। तो माइक्रो नेम या फंक्शन नेम दो में दो तीन कंडीशंस है। जो सबसे पहले तो आप डेसिमल वगैरह नहीं लगाओगे, जो स्पेशल करेक्टर है। दूसरी क्या है कि आप 3 डिजिट के अल्फा न्यूमेरिक नहीं लिखोगे क्योंकि आपका रेंज है। तीसरा कि एक नाम 2 बार एक फाइल के अंदर नहीं होने चाहिए। हाँ, बुक 1 में आप बुक 2 में अगर आप कोई माइक्रो बना रहे हो तो आप अलग अलग बना सकते हो, लेकिन बुक 1 में एक नाम के 2 माइक्रो नहीं बना सकते, चाहे वो सेम मॉड्यूल्स में हो या डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में हो, एक नाम के 2 माइक्रो नहीं होने चाहिए। क्लियर है आप लोग को? हाँ, किसी को डाउट सर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हम किस तरह से कोडिंग करें, कोडिंग करने का क्या मतलब पैटर्न है। तो प्रोग्रामिंग करने का कुछ कंसेप्ट है, उसको देखिए। सबसे पहले होता है एनालाइज, अपने प्रॉब्लम का एनालाइज ऐसे ही होता है। अपने प्रॉब्लम का सबसे छोटा तरीका ढूंढोगे आप। प्रॉब्लम मतलब क्या, बोलो प्रॉब्लम क्या मतलब कि जो माइक्रो बनाते हैं तो आपका प्रॉब्लम ही है ना। तो
अपने प्रॉब्लम का सबसे छोटा तरीका पहले आप ढूंढोगे कि सबसे छोटा तरीका क्या है, उसको प्रॉब्लम को आप समझोगे देखोगे, फिर उस पे बनाओगे एल्गोरिदम, मतलब कि किस तरीके से आपका प्रोग्राम वर्क करेगा, उसकी लाइन बाय लाइन आप स्टेप्स को लिखोगे, देन उसको आप कोड करोगे, देन आप उसको टेस्ट करोगे एंड देन अप्लाई करोगे। तो स्टेप है हमारे प्रोग्रामिंग के, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को एनालाइज कीजिए, उसकी एल्गोरिदम लिखिए, उसकी कोडिंग कीजिए, कोडिंग की टेस्टिंग कीजिए, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। तो कैसे, तो मान लीजिए मुझे छोटा सा टेबल बनाना है यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे उसकी प्रोग्राम लिख, ऐसे नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ऐसे प्रोग्राम हमें लिखना है। तो हमने पहले देखा कि हमें किस तरह से वर्क करना है, उसके बाद मैंने इसको एल्गोरिथम तैयार किया। एल्गोरिथम होगा, देखिए एल्गोरिथम ही होगा यहाँ पे स्टार्ट, मतलब कि डिक्लेरेशन ऑफ द मैक्रो, सेलेक्ट A1, सॉरी कॉमा माफ कीजिएगा, बैगर लग गया, सेलेक्ट A1, सेलेक्ट एंटर, यहाँ पे एंटर नेम, सेलेक्ट B1, एंटर रोल स्टेप, क्योंकि बिना सिलेक्शन किए आप एंटर कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी ना सर, B2 नहीं होगा, B1 होगा ना, यहाँ पे B1 है ना, सेलेक्ट C1 और एंटर मार्क्स और यहाँ पे एंटर, ये आपका एल्गोरिदम कहलाएगा। आप बोलोगे सर इसको लिखने से क्या फायदा है, देखिए छोटी मोटी मैक्रो तो आप अपने लिए कर लोगे, मैं इसके बारे में समझाता हूँ आपको, आपका अपना प्रॉब्लम है, अपनी चीज़ें हैं, तो आप चलो उसको आप कर लोगे, उसकी दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि अबजूर जी ने मुझे बोला कि सर मेरा एक फाइल है उसको आप ऑटोमेट कर दीजिए, अब अबजूर जी की जो फाइल है उस पर मुझे समझाएंगे ना मुझे कि हाँ कि कैसे कैसे वो वर्क करते हैं, कि कहाँ पे कौन कौन सा कंडीशन लगाते हैं, पिवट लेते हैं या फिर क्या लेते हैं, पिवट में क्या कंडीशन है, किस डेटा पे लगते हैं, पहले क्या करते हैं, ये चीज़ें मुझे बताएंगे वो, तो मैं उसको ऐसे दिमाग में रखूंगा तो भूल जाऊंगा, तो जैसे जैसे वो बताते जाएंगे हम उस स्टेप को लिखते चले जाएंगे और फिर उस स्टेप के अकॉर्डिंग हम कोड करेंगे। तो एल्गोरिथम इसलिए होता है, दूसरी चीज़ है कि अगर हम कोडिंग अपने लिए नहीं, मान लीजिए कि हमारी टीम है, तो आपने बताया, हमने कस्टमर से डील की, उसके एल्गोरिथम तैयार कर दिया और आपने किसको दे दिया, अपने टेक्निकल टीम को, और टीम उस पर काम करेगी। तो एल्गोरिथम तैयार होने के बाद क्या होता है कि अगर आप नहीं कर पाए तो आपके उस एल्गोरिथम पे दूसरा भी कर लेगा। दूसरा चीज है कि एल्गोरिथम रहेगा तो कल के डेट में अगर आप उसके अंदर माइक्रो के अंदर चेंज करना चाहते हो तो आसानी से चेंज हो जाएगा, क्योंकि साल भर बाद अगर पता करो कि माइक्रो कैसे बना हुआ है तो मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए इस एल्गोरिथम के बिहाफ पे हम आपका प्रोग्रामिंग करते हैं। सर डिक्लेरेशन ऑफ द माइक्रो मैंने बना लिया, उसके बाद रेंज A1 डॉट सेलेक्ट एक्टिव सेल डॉट नेम इक्वल टू नेम, सॉरी माफ कीजिएगा नेम नहीं होगा, वैल्यू होगा, वैल्यू और नेम कॉपी पेस्ट पेस्ट, यहां पे हो जाएगा B1 B1 रोल यहाँ पे B1 की जगह C1 होगा। अब मैंने कोड कर लिया, तो हमने तीसरा स्टेप पार किया, अब टेस्ट, अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि मैंने प्रोग्राम किया वो प्रोग्राम सही से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
सही से परफॉर्म कर रहा है, देन अप्लाई। तो इसे अप्लाई क्या है, तो अप्लाई मतलब ये हुआ कि उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उसका फ्लो चार्ट तैयार करना। क्यों? क्योंकि आप तो माइक्रो रन कर लोगे, मान लीजिए माइक्रो किसी और के लिए आपने बनाया, वो तो माइक्रो रन नहीं कर पाएगा। वो आदमी तो माइक्रो आपका रन नहीं कर पाएगा, तो उस केस में हम इसका यूज करेंगे अप्लाई का। तो प्रोग्रामिंग से कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? इमरान जी, इमरान जी कोई डाउट आपको? हाँ सर, नहीं नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ओके, तो ये चीजें अब इसमें क्या है कि जो एल्गोरिदम है वो एल्गोरिदम होता है स्टेप, वन बाय वन स्टेप, उसका फायदा ही होता है हमारा, क्योंकि अगर हम इसके स्टेप कर लेंगे तो बीच में से हम स्किप नहीं करेंगे या उल्टा नहीं करते। मान लीजिए कि बिना सेलेक्ट किए हमने एंटर नेम का प्रोग्राम लिख दिया, तो नाम एंट्री कहाँ करेगा, ये तो एरर हो गया। जैसे पिवट लगाने से पहले डेटा सेलेक्ट करना है, तो बिना डेटा सेलेक्ट किए पिवट लगा दिया, पिवट हमारा किसी और डेटा पे लग गया। तो इस तरह से स्टेप्स लिखने के बाद, बड़े बड़े प्रोग्राम में स्टेप लिखने के बाद आपके लिए बेनिफिट होता है। तो अगली चीज करने से पहले आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे पहले कि जो वेबसाइट मैंने दिया था उसको खत्म कीजिए आप, देख के पढ़ के। दूसरा, कम से कम 10 ऐसे रिपोर्ट जो आप डेली बेसिस में अपने ऑफिस में बनाते हो उसका एल्गोरिथम आप लिखिए, ठीक है? इमरान जी, सतगुरु जी, समझ में आया आपको क्या मैंने क्या बोला? वेबसाइट है excel-vva.com। आप लोग 10 ऐसे अपने अपने ऑफिस में डेली से रिपोर्ट बनाते हैं उसकी एल्गोरिदम तैयार कीजिए, क्योंकि एल्गोरिदम इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि इसी से आपको लाइन बाय लाइन प्रोग्राम करने का मेथड पता चलेगा। आप देखो कि हाँ इसके लिए अलग कोडिंग होगी और इसके लिए अलग कोडिंग होगी। जैसे कि हमने बोल दिया कि एंटर नेम करो, excel-vva.com में क्या है, एक ये है, मतलब कि उसमें चैप्टर्स है कुछ बेसिक वीवीए कंसेप्ट का, तो उसको देखना है। तो आप लोग जो है इमरान जी और दीपिका जी, अनिल जी, अब्दुल जी, आप लोग मुझे 10 ऐसे मैक्रो का जो अपने रिपोर्ट्स का आप स्टेप लिखो, अपने नोटपैड पे लिखो, या आपको मैंने कल नोटपैड परचेज करने के लिए बोला था, लिख के आप प्रैक्टिस करो एल्गोरिदम की, क्योंकि एल्गोरिदम से आपको स्टेप का पता चलेगा कि कोड किस तरह से, किस लाइन के लिए पर लाइन कोड कैसे होगी, लाइन ब्रेक करने का ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि यहीं पे देख लीजिए ना, यहाँ पे हम एल्गोरिदम ऐसे भी लिख सकते थे कि एंटर नेम इन A1। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई कि डायरेक्ट A1 में हम नेम कैसे लिख सकते हैं, हमें तो पहले कर्सर ले जाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, फिर नेम एंट्री करेंगे ना। बिना कर्सर लिए नेम कैसे एंट्री कर सकते हैं आप? तो आपका एल्गोरिथम अगर इस तरह का हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आप दो लाइन होगी कि पहले नेम को A1 को सिलेक्ट होगा, देन एंटर नाम एंटर होगा, तो यहां पे बेनिफिट हो इस तरह। इसलिए आपको मैंने एल्गोरिथम की प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूं, ठीक है? हाँ सर, ये आपने जो कल अपने एग्जांपल बताया था ना, जो आप मैक्रो यूज कर रहे हैं मेल मेल्स मतलब सभी आईडीज में सेंड करने के लिए, वो आप कब कराएंगे पूरा? लास्ट वो तो सबसे लास्ट में होगा सर, वो तो अदर एप्लीकेशन हैंडलिंग है वो। सर मेरे को पूरा सीखना है सर, जरूर जरूर सीखिएगा, ऑफिस में यूज होगा। जरूर सीखिएगा सर। ऐसे उसकी रिकॉर्डिंग चाहोगे तो मैं यूट्यूब पे पढ़ा है, ले सकते हो आप। सी ठीक, हाँ हाँ कोडिंग के साथ पढ़ा है, सीडियो कनेक्टिविटी कहते हैं इसको। क्योंकि हमारे MIS में बंदा है ना, उसने ये चीज इंप्लीमेंट कर ली है, मैं सीखना चाह रहा था इसलिए। हाँ, तो लेकिन उसके लिए आपको पूरी प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी ना, डायरेक्ट सीखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सर, तो